देखो वो आ रही है बैसू की बोट, और मेरी बात ध्यान से सुनो, बैसू इंडिया में पहली बार आ रही है, उसके सामने तुम्हें गलत व्यवहार नहीं करना होगा, उसके सामने अच्छे तरीके से पेश आना होगा। बैसू के लिए ये भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं। ठीक है भाई, हम बैसू का इंडिया में अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे। वेलकम टू इंडिया बैसू, तुम्हें आने में कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं हुई? हेलो सर, बैसू और बुल्ला बाबू की समुद्र किनारे डील होने जा रही है असला बारूद की, यही अच्छा मौका है उन्हें पकड़ने का। तुम कौन? सर मैं बादशाह। ओके। नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे तो प्रॉब्लम एक बात की है, मुझे इंडिया पर राज करना है, तब जाके बैसू बनेगी इंडिया की अंडरवर्ल्ड डॉन, फिर मेरी टेंशन खत्म होगी। बैसू आप जैसा सोच रही हो वैसा ही होगा, बस एक बार हमें मौका दीजिए। तो फिर सुनो, इस बार तुम्हें इंडिया के चारों कोनों में बारूद बांटना है, फिर इंडिया में गैंगवार इतना बढ़ जाएगा कि इंडिया की सरकार अंडरवर्ल्ड डॉन बैसू के नाम से ही डरने लगेगी। बुल्ला बाबू, मेरा दुबई जाने का टाइम हो गया है, ये लो बैग, इसमें कुछ पैसे हैं, कम पड़े तो मुझे बता देना, मैं और ट्रांसफर करवा दूंगी। ठीक है बैसू, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। भागो बैसू, पुलिस आ गई। पैसो तू अब की बार तो मुझसे बच गई, पर अगली बार तू इंडिया आई तो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगी। बुल्ला, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि पुलिस के लिए कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कैसे हुआ? बुल्ला कहीं तू पुलिस से तो नहीं मिल गया? कहीं तेरी चाल तो नहीं है मुझे पकड़वाने के लिए? नहीं बैसू, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई चाल नहीं है, मुझे पता ही नहीं पुलिस को कैसे पता चल गया, मैं सच कह रहा हूँ बैसू। मैंने मान लिया इसमें तेरी कोई चाल नहीं है, पर तेरा गेम फिनिश। प्लीज बैसू, गोली मत चलाओ, एक बार मुझे मौका और दो, अब की बार ऐसा नहीं होगा, प्लीज बैसू। बुल्ला ठीक कह रहा है, इसे एक बार चांस और दे दो। चल ठीक है बुल्ला, तुझे एक मौका और दिया, लेकिन फिर से ऐसा हुआ तो मेरे इंडिया आने से पहले तुझे मार दिया जाएगा। ठीक है बैसू, अब की बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी। क्यों रे, बता तूने खबर दी पुलिस को? क्यों रे, बता तूने खबर दी पुलिस को? क्यों रे, बता तूने खबर दी पुलिस को या तूने दी रे? अब तो मैं ऐसे नहीं बताओगे भाई, प्लीज गोली मत चलाने, मैं सब कुछ बता दूंगा। चल तो फिर बता। भाई मैं एक दिन बादशाह के घर गया। देखो स्कूल में किसी से लड़ना मत, ठीक है? अच्छे से रहना, ठीक है? ओके। और क्या बादशाह है घर पर? वो घर पर नहीं है। बताओ तो सही बादशाह कहाँ पर है, वरना बाद में बहुत पछताओगी। नहीं बताओगी तो? इंस्पेक्टर साहब आप बात तो बताइए कि बात क्या है जो मुझे बाद में पछताना पड़ेगा। तो सुनो, आपका पति बादशाह बुल्ला बाबू की गैंग में काम करता है, हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है बुल्ला बाबू की गैंग को खत्म करने का। क्या बादशाह बुल्ला बाबू की गैंग में काम करता है? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, बादशाह तो मुझसे एक दिन ये कह रहा था कि मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ। नहीं वो सब झूठ है, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ बादशाह को बचाने के लिए। प्लीज इंस्पेक्टर साहब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तो सुनो, तुम बादशाह से कहो वो पुलिस से हाथ मिला ले और वो बुल्ला की गैंग में पुलिस से मिलकर काम करे और हमें बुल्ला की सारी जानकारी देता रहे। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी जान बच सकती है, वरना बुल्ला के साथ एनकाउंटर में बादशाह भी मारा जाएगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या करोगी? सुनो इंस्पेक्टर साहब, की तरफ क्या देख रहे हो, मेरी तरफ देखो और जो पूछ रही हूँ वो बताओ, क्या तुम बुल्ला के गैंग में काम करते हो?
क्यों रे बादशाह, गर्दन क्यों झुका रहा है? सच क्यों नहीं बताता अपनी पत्नी को? हाँ ये बात सच है, मैं बुल्ला के गैंग में काम करता हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुमने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे बादशाह? तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरे और मेरे बच्चे का क्या होता? तुमने सोचा है कभी? आपके रोने से काम नहीं चलेगा बादशाह, सुधर जा भी, हमसे हाथ मिला ले। कम से कम अपने बारे में नहीं तो अपने बीवी बच्चों के बारे में तो सोच। बादशाह इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं, अपने लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, अपने बेटे के लिए इनसे हाथ मिला लो। ठीक है काजल, इंस्पेक्टर साहब मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना है। सुनो बादशाह, तुम्हें बुल्ला बाबू की गैंग में हमारा मुखबर बन के रहना है। और हाँ, बुल्ला को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तू पुलिस से मिला हुआ है। ठीक है सर, ऐसा ही होगा। बादशाह कोई होशियारी मत करना, तू कानून को तो जानता ही होगा। मैं चलता हूँ। अरे जग्गा, तू यहाँ कैसे? अरे बादशाह, मैं रास्ते से गुजर रहा था, मैंने सोचा तुझसे मिलता ही चलूं। दोस्त तूने अच्छा किया। काजल जाओ चाय बना लाओ। बादशाह तू ये बता, ये इंस्पेक्टर यहाँ क्यों आया? तो सुन जग्गा, मैंने इंस्पेक्टर से हाथ मिला लिया, मैं बुल्ला के साथ काम नहीं करूँगा। जग्गा मेरी बात मान, तू भी बुल्ला के साथ काम करना छोड़ दे और इंस्पेक्टर से हाथ मिला ले। नहीं बादशाह, मैं बुल्ला के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं तुझसे गद्दारी के लिए नहीं कह रहा हूँ जग्गा, मैं बस तेरी जान बचाने के लिए कह रहा हूँ। बादशाह तू जान बचाने की बात तो ठीक कह रहा है, पर बुल्ला को पता चल गया तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बादशाह मेरे तो आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, पर तेरी तो फैमिली यार, तू तो सोच। चल ठीक है जग्गा, जैसे तेरी मर्जी। बादशाह तू टेंशन मत ले, मैं तेरे बारे में बुल्ला बाबू को कुछ नहीं बताऊंगा, मेरा जाने का टाइम हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। बस भाई मुझे माफ कर दो, मुझे इतना ही पता है। बादशाह अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, क्योंकि तूने मेरा करोड़ों का नुकसान कराकर अब तू अपनी फैमिली के साथ मजा ले रहा है। बादशाह अब मैं तेरे लिए कल सुबह का सूरज ही नहीं देखने दूंगा। बादशाह बाहर निकल। काजल बुल्ला बाबू गेट पर है, तुम इस बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने कहा ना तुमसे, इस बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाओ। काजल मैंने कहा ना तुम इस बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाओ। निकल जाओ काजल, तुम्हें मेरी कसम है, जाओ काजल निकल जाओ यहाँ से। नहीं मैंने कहा ना मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। काजल प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम इस बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाओ प्लीज काजल। ओए इसके बीवी बच्चे भी बच लेना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम इन झाड़ियों में छुप जाओ और जब तक मैं वापस ना आऊं यहाँ से निकलना मत, समझ गए ना तुम? जाओ जल्दी अब। बिल्ला बाबू यहाँ तक तो दिखाई दिए, पता नहीं कहाँ गुम हो गए। गुम होकर जाएंगे कहाँ, चलो आ ढूंढते हैं।
रोटी है तो मुझे भूख लग रही है। चल हट भी जा, तुझे कोई रोटी नहीं है। बाबू जी मैं सुखाने हाथ जलता हूँ, मैं कदर से भूखा हूँ। चल ये ले एक रोटी। भाई ये तो पास्ता का बेटा है। अब तुझे रोटी नहीं मिलेगी, गोली। अरे छोटू इधर जंगल की तरफ कहाँ जा रहा है तू? यहीं रुक। और पता है तुझे इस जंगल में कितने जंगली जानवर रहते हैं? तुझे खा जाएंगे, चल वापस लौट। बाबूजी खाने दे तो खाने दो, मैं अपनी माँ को ढूंढने जा रहा हूँ। अरे बेटा तुम्हें किसी ने गुमराह किया है, इस जंगल में तुम्हारी माँ कहाँ है? बाबूजी मेरी माँ इधर को है, ये पीछे गुंडे पड़े भाई हैं। अरे बेटा कौन गुंडे और तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम किसके बेटे हो बताओ? बाबूजी मैं बादशाह का बेटा हूँ। क्या कहा बेटे, तुम बादशाह के बेटे हो? मैंने तो ये समझा था कि बुल्ला की गैंग ने बादशाह के परिवार को खत्म कर दिया। अरे बेटा तुम रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो आओ मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। रो मत, चुप, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाऊंगा। लो बैठो। सुन भोलेनाथ, जब तक मेरा बेटा मुझे नहीं मिल जाता मैं तेरे इस दर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। सुन रहा है ना तू? प्रार्थना है आप इस बच्चे को इसकी माँ से मिला दें, और मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा। बेटा ये कुछ प्रसाद है, इस पागल को अपने हाथों से खिला दो, जाओ। आंटी प्रसाद दो। विवेक, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। मम्मी। नहीं मेरे बच्चे, रोते नहीं, चुप। इंस्पेक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा बेटा मुझे वापस दे दिया। आप धन्यवाद मेरा नहीं, इस भगवान का कीजिए जिसने टाइम पर तुम्हारा बेटा लौटा दिया। अगर ये भगवान मुझे उस जगह पर टाइम पर नहीं भेजता तो मैं आपके बेटे को नहीं बचा पाता। शुक्रिया मेरा नहीं, इस भगवान का करिए। आइए हे भोलेनाथ, मैं तेरा कैसा शुक्रिया अदा करूं जो तूने मेरे बेटे से मुझे मिला दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, आपके यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। आपकी जय हो भोलेनाथ। चलो बेटा।
बुल्ला मेरी बात सुन, कल सुबह की फ्लाइट से मैं इंडिया आ रही हूँ। और सुन बुल्ला, मेरे इंडिया आने से पहले मेरे रहने की व्यवस्था और मेरा सारा सेटअप रेडी रहना चाहिए। सुन बुल्ला, मेरे बारे में तो तू जानता ही है, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो तू जान से जाएगा, रेडी रहना चाहिए। आजा वैसु, अब तेरा ही इंतजार है। तू कौन बात कर रहा है? बुल्ला कहाँ है? क्या इंस्पेक्टर तू बात कर रहा है?